हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी राम राम। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने वेलवेट का सूट स्टिच किया है जिसकी मैंने कटिंग नहीं बताई है, क्योंकि जो है कटिंग मैंने उसी मेथड से बताई है जैसे मैं हमेशा आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ। तो देखिए, इसकी लेंथ मैंने ली है 44 और विड्थ ली है 12 इंच इस तरीके से। और ये है बैक का पार्ट जिसकी मैंने नेक की लेंथ ली है 5 इंच और विड्थ ली है 3 इंच। ये है हमारी स्लीव्स जिसकी लेंथ मैंने ली है 18x10 इंच की इस तरीके से, देखिए। और यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया है 15.5x9.5 का इस तरीके से, देखिए। पेपर बुकरम मैंने लगा ली है इसके पीछे, और ये देखिए मैंने यहाँ लिख के भी दिखाया आपको। और इस कपड़े के ऊपर देखिए हमें 3 इंच के मार्क चारों साइड से लगा लेने हैं, और इन मार्कों को देखिए हमने क्या करना है, लाइन से ड्रॉ करते हुए इन पे गोल्डन लेस को लगा लेना है। इस पूरे पैच में हमें देखिए इस तरीके से गोल्डन लेस को रखनी है और स्टिचिंग करते जाना है। और उसके बाद देखिए हमें इसको फोल्ड करते हुए 6.5 की लेंथ और 3 इंच की विड्थ की हमें एक गोल जो है राउंड शेप देते हुए नेक कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ कटिंग कर ली है इस तरीके से, और अपने सूट में सेंटर पॉइंट बनाते हुए इस तरीके से सेंटर का पॉइंट मिलाते हुए हमें स्टिचिंग कर लेनी है। हमें इस गले को सूट के उल्टे पार्ट में रखना है इस तरीके से, देखिए। अब कटिंग कर लेनी है हमें। और इसमें छोटे छोटे कट लगाते हुए इसको राइट साइड टर्न कर लेना है, देखिए इस तरीके से, और टॉप स्टिच लगा लेनी है। और फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक गोल्डन लेस है, इसको देखिए इस तरीके से अटैच करना है हमें। और देखिए ये मेरे पास गोल्डन एक फ्लावर के पैच है जो हमें हर एक उसमें रखने हैं, देखिए इस तरीके से, और इनको अच्छे से स्टिच कर लेने हैं। तो चलिए हम स्टिच करते हैं इनको। तो देखिए हमारे सारे जो है देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने इन पैचों को सूट के कपड़े के ऊपर रख के लगाए थे तो उसमें काफ़ी झोल आ गया था, तो मैंने इस पैच को देखिए इस तरीके से अलग से करते हुए लगाए हैं इस तरीके से, देखिए। क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है, थोड़ा स्पंजी टाइप होता है, और फिर उसके बाद में मैंने इसको सूट के ऊपर अटैच किया था। इस तरीके से तो आपको भी पहले इस पैच के ऊपर इन पैचेस को अटैच करने के बाद ही आपको सूट के कपड़े के ऊपर इसको लगाना है।
सेंटर पॉइंट का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अब इसको हमें राइट साइड पे टर्न करना है इस तरीके से और टॉप स्टिच कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से लगाने से बिल्कुल भी आपके कपड़े में, सूट के कपड़े में झोल नहीं आएगा। और उसके बाद देखिए हमने क्या किया है, जो हमारे पास लेस है झालर वाली, उसे इसके नीचे रखना है इस तरीके से। लेकिन इससे पहले देखिए हमने क्या करना है, इस लेस को नहीं लगानी, सबसे पहले हमें देखिए इस लेस को लगानी है इस तरीके से। ऐसे ही हमें देखिए स्टिच करते हुए जो है इस लेस को लगा लेनी है। और उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, दोनों साइड हमें नीचे तक इस लेस को ले जाते हुए लगानी है। ये देखिए पूरी लेंथ में सूट के, और दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से लगानी है। देखिए अब इस झालर वाली लेस को हमें इस तरीके से अटैच करनी है। और उसके बाद देखिए दोनों साइड की जो लेस है ना उसे स्टिच करनी है। ये देखिए इस तरीके से आप पहले इसमें कच्चा कर लीजिए, तब उसके बाद फाइनल स्टिच करिए। तो देखिए हमारे यहाँ पे झालर वाली लेस लग चुकी है। तो चलिए अब दोनों साइडों की लेस लगाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमारी लेस भी लग चुकी है दोनों साइड। अब यह है हमारी स्लीव्स। तो हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले नीचे की जो किनारी है मोरी की, उसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद हमने क्या करना है, जो हमारी झालर वाली लेस है उसको इसके ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेनी है।
ये देखिए इस तरीके से रखते हुए और उसके बाद देखिए हमें इस लेस को रखते हुए स्टिच कर लेनी है इस तरीके से। तो देखिए हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई है। तो अब देखिए हमें शोल्डर को जोड़ना है इस तरीके से और उसके बाद स्लीव्स रखते हुए स्लीव्स को अटैच कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने स्लीव्स भी लगा ली है अच्छे से और फिटिंग करनी है अब इस तरीके से देखिए दोनों साइडों से। और फिर जो हमने चाक मोड़ने हैं नीचे से घेरा मोड़ना है देखिए इस तरीके से। तो चलिए हम फिटिंग करते हैं अब। तो देखिए हमारी यहाँ भी फिटिंग हो चुकी है। ऐसी हमें दूसरी साइड जो है फिटिंग करनी है। तो देखिए हमने चाक भी फोल्ड कर लिया है नीचे से घेरा भी फोल्ड कर लिया है। आप देखिए जो हमारे पास मोती वाली लेस है झालर वाली उसे इस तरीके से नीचे रखते हुए हमने लगा लेनी है ये देखिए। तो हमें बैक और फ्रंट के दोनों पासों में हमने इस लेस को लगानी है। फ्रेंड्स ये सूट बहुत ही ट्रेंड में है ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और ये हर एक कलर में चल रहे हैं आजकल। तो सभी कलर्स में जो है ये सूट बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए इस तरीके से झालर वाली लेस हमारी लग चुकी है। देखिए फाइनल लुक इसका इस तरह का है कितना सुंदर इसका नेक बना है देखिए स्लीव्स देखिए। और फ्रेंड्स मैंने इसके साथ जो है वाइट कलर का ट्राउज़र बनाया है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा लगा है। ये देखिए इस तरीके से मैंने वाइट कलर का ट्राउज़र बनाया है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।